हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारी ईरा जो है पूरे 4 महीने की कंप्लीट हो गई है, तो आज स्पोर्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन मैं सेलिब्रेट करने वाली हूं, वही आज आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा फोटोशूट भी करने वाले हैं आज, क्योंकि विंटर चल रहा है, जनवरी का मंथ है, तो मैंने सोचा है कि हम लोग विंटर थीम रखेंगे अपनी ईरा का। तो क्या करने वाले हैं चलिए दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा सेटअप तैयार करना है, फटाफट से बाहर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने। तो मैंने आपको बता दिया है ये है विंटर थीम, क्योंकि जनवरी चल रहा है एंड ठंड का टाइम है। तो यहाँ 5 बजे मैंने शाम को स्टार्ट किया था और ईरा यहाँ पे लेटी थी, थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी, थोड़ा खेल रही थी। तो मैंने यहाँ पे सोफे के जो मैट हैं डार्क कलर के, वही फ्लोर पे बिछा लिया है एंड स्नोमैन बनाया है थाली की हेल्प से, और कुछ यहाँ पे ट्रीज़ जो हैं वो पेपर पे कट किए थे। तो देखते देखते ये 4 महीने निकल गए, टाइम पता नहीं चला। और पीहू मेरी यहाँ पे हेल्प कर रही थी, उसने कहा था मम्मा जब मैं स्कूल से आ जाऊँगी तभी आप ये करना, इसीलिए मैं उसका वेट कर रही थी। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं अपने काम को। स्नो स्नो गिरेगी जगह जगह, आपको गिराना है स्नो। तो मुझे नहीं पता क्या करना है। अच्छा ऐसे करो, ऐसे दिखाओ, नीचे दिखाना। हाय इरो, हम लोग स्टिल काम। तो ये आइडिया मैंने यूट्यूब से ही लिया था, ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी तो मुझे दिख गया था कि आप इस तरह से बना सकते हो, तो वही सब मैंने यहाँ पर किया है। और 4 नंबर भी मैंने कॉटन की हेल्प से ही लिख दिया है। यहाँ पे ईरा हमारी लेट गई है, 5:20 हो रहा है, 15-20 मिनट में हो गया था ये सारा। फिर उसके बाद फ़ोटोशूट करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ईरा को मुझे चेयर अप करना पड़ रहा था, हंसाना पड़ रहा था, पीहू भी मेरी हेल्प कर रही थी इस काम पर। आज है विंटर थीम, तो विंटर थीम के लिए ईरा ने अपना स्वेटर वगैरह सब पहन लिया है। थोड़ा सा स्नो जो है वो नीचे गिरा दो भाई, नीचे गिरा दो स्नो, 2-4 स्नो ऐसे ऐसे नीचे भी तो होनी चाहिए क्या। हाँ ये देखिए, हमारी पीहू ने यहाँ पे स्नोमैन के बटन लगाए हैं और लिप्स भी हमारी पीहू ने बनाया है। ये देखिए गाइस क्या सुंदर सा बना रखा है। और ईरा यहाँ लेट गई हैं, बस अब इनके 2-4 जल्दी जल्दी से। और हाँ ये भी स्नोमैन हमारी पीहू ने बनाया है, ये वाला क्यूट सा। सो अभी पीहू ईरा का फ़ोटोशूट जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। शाम को डैडी आएंगे केक लेके, तो हम लोग केक कट करेंगे। तो अभी ईरा का जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है और हमारे फ़ोटो जो हैं वो 4-6 फोटोज तो निकल ही आए हैं। पीहू ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है हमारी इस फ़ोटोशूट में। तो चलो गाइज अब हम मिलते हैं आपको डायरेक्ट शाम को। तो ये कुछ फ़ोटोज़ थे जो कि मैंने क्लिक किए थे, वही मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। बाकी आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हेलो हेलो, अच्छा ये केक आ गया, केक मिल गया, थैंक यू। छोटू भी चाहिए था हमारे छोटू के लिए। हेलो गाइस वेलकम बैक, शाम हो गई है और यहाँ पे ईरा को मैं रेडी करने जा रही हूँ बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए। वर्मा जी थोड़ा सा केक लेकर के आए हैं, केक कट करेंगे एंड थोड़े से एक दो रील बनाएंगे। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए एंड ईरा का भी मैंने एक पेज बनाया है, बहुत जल्दी वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। चलो अभी मैं इसको जल्दी से रेडी कर देती हूँ और फिर मिलते हैं। चलो चलो ईरू चलो। तो शाम को मैंने फ़ोटोशूट किया था उसको वूलन कपड़े वगैरह पहना के, पर गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है ना कि वो बाद में बहुत क्रैंकी हो रही थी। मैंने फिर वो उसका ड्रेस वगैरह सब चेंज कर दिया था। अब मैं उसको केक कट करने के लिए दूसरा नया ड्रेस पहना रही हूँ, उसका रॉम्पर ड्रेस। तो बस ईरा का तो फ़ोटो कट ही गया, वो नीचे लेटी हुई थी। चलो मैं इसको रेडी कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। ओके गाइस, तो हमारी यहाँ पे ईरा रेडी हो गई है केक कट करने के लिए। सिंपल सा रॉम्पर पहना दिया है, एक हेयर बैंड लगा रखा है उसने। और ईरो तैयार हो, चले चले, अच्छी अच्छी, हाँ चले, चलो आ जाओ। तो हम लोग जा रहे हैं केक कट करने, है ना ईरो, चलो।
तो ये है केक। केक क्या ये पेस्ट्री है एक्चुअली, क्योंकि वर्मा जी जब आ रहे थे तो उन्होंने ऑनलाइन ही फटाफट से ऑर्डर कर दिया था। वैसे मेरा मन था आज ना वो जो बेकरी वाला केक होता है वो मंगाने का, बट कोई बात नहीं, चलो इसी को कट करते हैं। तो चलिए जल्दी से केक कट करते हैं। अभी एक रील बनाई है हमने, हीरा अभी क्रैंकी होने लगी, उसका यही होता है एंड में बिल्कुल वो क्रैंकी हो जाती है। चलो तो ये है ईरा का 4 मंथ का छोटा सा प्यारा सा केक जो कि हम लोग खाने वाले हैं, है ना ईरा भाई। अभी हमारी ईरा जो है बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रही है। ये पियू पकड़ो बेटा, चलो चलो पकड़ो पकड़ो ईरा पकड़ो बाबू। ये देखो बस ईरा ने काट लिया। हैप्पी बर्थडे ईरा, 6 मंथ का केक खाएंगे अभी, तो हमारी पियू ही खाएगी। ये चलो चलो चलो, 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 चलो